बहुत दर्द हो रहा है ना नुपुर आंटी। अंदर की चोट का असर जितना गहरा है ना चीकू, उसके आगे बाहर की चोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं कर पाई, ना विलेन की अच्छी पत्नी बन पाई, ना आपका ध्यान रख पाई। फेल हो गई मैं, फेल हो गई। आपको ना, आपको सब रंग लग रहे हैं, आपको सबकी कितनी चिंता करती हूँ। मैंने तो आज तो कोई देखा ही नहीं है जो आपसे ज्यादा किसी और की चिंता करे। उसका क्या फायदा चीकू, अगर जरूरत पड़ने पर मैं कुछ कर नहीं पाई। आंखों के लिए आसान होता है, आंसू बहाकर रो लेती, पर मेरी क्या जो हालत थी ना, वो देखकर मेरा मन कितना रोया है मैं जानती हूँ। और इसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ चीकू। आज पता है चीकू, माफी की गलती मिल सकती है, मैंने जो किया है वो पाप है, और पाप की कोई माफी नहीं मिल सकती है। मुझसे पाप हो गया है चीकू। नहीं इसमें ना आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आपने तो उधर जाने से पहले ही मना किया था ना मेरे को कि उधर नहीं जाते, पर मैं ही जिद कर रही थी। मेरे को लगा था कि उधर जाकर डांस परफॉर्मेंस करेंगे, मेहनत करेंगे, इज्जत से कमाएंगे और खाएंगे, पर मेरे को जब कहीं नहीं कि आप जैसे अमीर लोगों को ये इवेंट विवेंट में जाके डांस करना नहीं जमता है, बहुत छोटा काम आप लोगों के लिए ये सब सारे चीकू। नहीं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, इंसान की सोच या समझ बड़ी या छोटी होती है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है बेटा। पर हुआ तो सब राग में नुपुर आंटी, सब राग हुआ। मेरे को बहुत सैड हो रहा, आज मेरा दिल डांस नहीं मार रहा। ऐसे नहीं चलेगा चीकू, अब मेरी वजह से मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगी। मैंने एक फैसला ले लिया है। कैसा फैसला नुपुर आंटी, क्या करूं क्या? मिलिंद, थैंक गॉड तू वापस आ गया, तो ठीक है ना? पता नहीं मैं तेरी चिंता में क्या कर बैठता। पापा का आशीर्वाद था हम पर, सब कुछ ठीक हो गया। मिलिंद पानी पी लो। थैंक गॉड मिलिंद वापस आ गए। देवा, नुपुर को जब मैंने वहां पे देखा ना, तो मानो ऐसा झटका लगा, सांस ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे। नुपुर ने पैसों के लिए उस पार्टी में डांस करके जो हमारी बेइज्जती की है ना भाई, उससे उबरने के लिए तो सदियों लग जाएंगी। नहीं, वो सब हुआ नहीं होता तो बात आगे बढ़ती नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं तो पुलिस नहीं आती, पुलिस नहीं आती तो मिलिंद को लॉकअप नहीं जाना पड़ता। ये सब कुछ उस नुपुर की वजह से हुआ है। ये सब ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाले टाइम में मीडिया हमारा तमाशा बना रही होगी और हम बस नो कमेंट्स बोल रहे होंगे, और पुलिस हम सबको उठा के एक साथ लॉकअप में डाल देगी। Excuse me, please. आई, मिलिंद ने नुपुर को घर से बाहर उस छपरे में फेंक तो दिया है, पर वो है कि रुकी नहीं रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाले टाइम में हम सबको बर्बाद करके ही दम लेगी वो। नहीं कामी, मैं हमेशा के लिए कल ये घर छोड़ के जा रही हूँ।
मैं बस आप सबको थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू। मुझे इस घर का हिस्सा बनाने के लिए इतनी सारी यादें, सारे पल जो मैंने यहाँ पे बिताए हैं, पूरी जिंदगी बैठ के अगर उन पलों को याद भी करूँगी तो भी वो खत्म नहीं होके, उसके लिए थैंक यू। मेरे कहने से इस मासूम बच्ची को आपने घर में आने दिया, उसकी परमिशन, उसके लिए थैंक यू। पर किसी भी घर में बस तब तक ही रह सकते हैं ना जब तक उस घर का दिल आपके साथ हो। मैं जानती हूँ मैं आप सबके लिए बोझ बन गई हूँ, बोझ बन के मैं आप सबको अब ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं परेशान होगी तो मिलिंद परेशान होगा, मिलिंद परेशान होगी, आई परेशान होगी, और उसकी वजह से आप दोनों को भी तकलीफ होगी। किसी को सुख दे पाओ या ना दे पाओ, पर किसी की तकलीफ का कारण मैं नहीं बनना चाहती हूँ। तो आप सबको अगर ऐसे ही लगता है कि मेरे यहाँ से चले जाने से जोशी परिवार की खुशियाँ वापस आ जाएगी, तो मेरे यहाँ से चले जाने ही ठीक है। आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं, और आपकी मर्जी के खिलाफ मैं यहाँ पे पड़ी रहूं, ये मतलब ही तो नहीं होना। मैं आई जिस बात पे भरोसा होता है ना वो तो सभी कर लेते हैं, पर मेरी पायल की मेरी तलाश में आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, फिर भी चुपचाप इतने सालों तक आपने मेरा साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू। आपने मुझे जो इतना सारा प्यार दिया है, जो सीख दी है ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, हमेशा तक ही की आई। आप अपनी जगह सही है आई, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ अपने बेटे का दर्द, उसकी तकलीफ देखना, उसे सहना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। कामिनी, सुबोध भाई साहब, आप दोनों को भी थैंक यू। मुझे घर देने के लिए, परिवार देने के लिए, और सबसे खास तो आरव और निभान देने के लिए। जब पायल चली गई थी ना तो उन दोनों को देख के मुझे खुशी मिलती थी, मन से जुड़ी हुई उन दोनों से और हमेशा जुड़ी रहूंगी। कुछ आखिरी पूर्णिमा है, मैं बस एक आखिरी बार जोशी परिवार की खुशी के लिए पूजा रखना चाहती हूँ, उसके बाद सुबह सुबह मैं चीकू के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। घर में मेरा आखिरी दिन होगा, हो रहा है अनुपुर आंटी। मैंने आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, अभी ये चपरा भी छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं जो भी करने चाहती है सब रंग क्यों हो जाता है अनुपुर आंटी। मैं तो बस आपको और मेरे अंकल को पास लाना चाहती थी पप्पा शपथ, पर मेरे अंकल से और दूर जा रही हूँ, मेरा गुंडक ना बहुत खराब है नुपुर आंटी, मेरा गुंडक है ही नहीं, ताली ना बैठ रखी है, तभी मेरे साथ रह करना, आपका आपका गुंडक भी बैठ रख हो गया। ठीक, जो कुछ भी हुआ ना उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, पर अपने लक को कभी बैठ नहीं बोलते हैं। ठीक, आपने वो फूल वाले पेड़ों को देखा है,
उनमें भी तो हमेशा फूल नहीं खिलते हैं ना, कभी कभी खिलते हैं, पर जब भी खिलते हैं ना अपनी बहुत अच्छी खुशबू छोड़ देते हैं। आपके मिलिंद अंकल भी मेरी लाइफ में फूल की तरह और हमारा रिश्ता खुशबू की तरह। जब तक रहा बहुत अच्छा महकता रहा, खुशबू आती रही, पर हमेशा नहीं रह सकता ना, इसलिए आपके मेरे अंकल मुझसे दूर जा रहे। मौसम भी ऐसे ही होता है चीकू, हमेशा एक सा नहीं रहता है। जब जिसकी जरूरत होती है वैसा मौसम आता है, और हमारी जिंदगी में जो लोग होते हैं ना चीकू, वो भी मौसम की तरह होते हैं। थोड़े टाइम के लिए आते हैं, किसी कारण से आते हैं, और कुछ सीख देके जाते हैं। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तो आपके मेरी अंकल ने मुझे संभाला था। आप भी मेरी लाइफ में इसी के वास्ते आई थी ना, मेरे को आपकी जरूरत थी, तो मेरे को संभालने के वास्ते आप आई थी ना। रुको राटी, हो सकता है ऐसा चीकू, पर अभी आप ये सब मत सोचो, बहुत रात हो गई, सो जाओ। हमें ना तैयारी भी करना है, और उसके बाद यहाँ से जाने की तैयारी करना है। पर हम किधर जाएंगे रुको राटी? मैं तो वापस चार दस दिन भी नहीं जा सकते, कोई नहीं है उधर मेरा, और उसका वादा नहीं है। मैं तो सड़क पे भी रह लेगी, पर आप थोड़ी ना सड़क पे रह सकती हूँ नूपुर आंटी। आपके आपके दोस्त लोग होंगे ना नूपुर आंटी, आप उनको उनको फोन करो ना, उनसे बात करो ना, आप उधर रह सकते हो क्या? आपने ना थोड़े टाइम की जिम्मेदारी दी थी ना मेरे को सुधारने की, अभी हो गया है, मैं सड़क पे रह लेगी। आप अपने दोस्त लोग से बात कर लो, आप मेरे साथ सड़क पे नहीं रहोगी। चीकू सही बोल रही है, कोई प्लान नहीं है मेरे पास, कहाँ जाऊंगी खुद को लेकर और चीकू को लेकर, कुछ तो सोचना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।